आप लोग सब सहयोग में आए हैं, कुछ लोग पहले से आए हैं बहुत सालों से, और कोई लोग नए आए हैं। धीरे धीरे सहयोग में संख्या बढ़ने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। और सत्य जो है वो धीरे धीरे ही प्रस्तापित होता है। सॉरी आई हैव टू से इन हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट, बट आई विल लेटर ऑन ट्रांसलेट इट। सत्य की पकड़ धीरे धीरे होती है। आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जो 8-8, 9-9 महीने तक सहयोग में आते रहे, उसके बाद पार हो। सत्य को पाने के लिए हमारे अंदर पहले तो गहराई होनी चाहिए, पर सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर सफाई होनी चाहिए। अब अनेक गुरुओं के बीच में जा करके हमारा चित्त जो है वो बुरी तरह से विक्षुब्ध हो जाता है। दूसरा, आजकल के समाज में जो हम घूमते हैं और नानाविध उपकरणों के कारण हमारा जो चित्त बाहर की ओर हमेशा रहता है, बाहर की चीजें जो दिखाई देती हैं, इन सब चीजों से हम कुछ प्रभावित होते भी हैं और कुछ तो ये भी बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से जो चीजें बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं उधर हमारा चित्त पहले जाता है, और जो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है वहां हमारा चित्त नहीं जाता। इसलिए हम ऐसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं जो बिल्कुल बेकार है, जिसको कि अंग्रेजी में जंग कहते हैं, मराठी में अड़गड़ कहते हैं। इस तरह का हमारा चित्त जो है वो बेकार की चीजों से बोझिल हो जाता है, उसका बोझा चित्त उठा नहीं पाता, थक जाते हैं हम। जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं ऐसे समाज में, तो लोग एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात नहीं करते, क्योंकि उनका चित्त इतना बोझिल होता है कि वो थक जाते हैं। एक दूसरे से बात करते वक्त भी जब तक वो कोई किताब न पढ़े या कोई सिनेमा न देखे या कोई तीसरी चीज ना हो, तब तक वो 10 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकते। इस चित्त को जितना आप शुद्ध रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। आप चित्त की शुद्धता रखते वक्त ये याद रखना है कि इसी चित्त से ही हमें परमात्मा को जानना है। एक बार परमात्मा को जानने के बाद बाकी जो कुछ जानना है बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब सूत्र से पकड़ते हैं तो वो बहुत दूर तक और सूक्ष्म आप पकड़ पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने चित्त की ओर ध्यान रखें कि अपना चित्त कहां जाता है। जितना चित्त समाहित हो जाए, समर्पित हो जाए, उतना ही वो चित्त शुद्ध होते जाता है। ये समझ लीजिए कि जितना आप गंगा में डूब जाएं उतना ही आप पवित्र होते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा यह हो जाती है कि मां किस तरह से हम समर्पण करें अपने। इसके एक तरीका आप लोगों ने अभी देखा है जो हम लोगों ने आजमाया है। जैसे कि आप अभी देख चुके हैं कि एक स्त्री है, उसने अपने को से गायत्री में अपने को समर्पित कर दिया या श्री राम को मानती है। अपने देश में विशेष करके ऐसा रिवाज है कि हम कोई ना कोई कुल दैवत रखते हैं या कुल स्वामिनी होती है, उसको हम पूरी तरह से मानते हैं और अपनी जितनी भी चित्त प्रवृत्ति है उसमें स्थित कर देते हैं। एक तरह से हम अपने को उसमें समर्पित रखते हैं, लेकिन उस समर्पण में हम कुछ पा नहीं थे, उसमें पा नहीं पाते। उससे गहराई हमारे अंदर बन जाती है जरूर, लेकिन उस गहराई में हम कुछ पकड़ नहीं पाते।
इसी प्रकार समझे कि एक घर कुंभ है या घड़ा है, उसमें गहराई बहुत है लेकिन उसका मुंह गंगा की ओर नहीं, दूसरी ओर है, लेकिन गहराई बनती जा रही है, लेकिन उस ओर से गंगा उसके अंदर बहने वाली नहीं। वो जो गहराई जिसके कारण बनी है उसको अगर गंगा की ओर मोड़ दीजिए तो उसमें गंगा फौरन भर आती है। अपने देश में इसका बड़ा भारी लाभ होता है। इसीलिए आपने देखा कि जिसने भी समझ लीजिए श्री राम को माना या किसी भी ऐसे दैवी अवतार को माना है और उसमें अपने को समर्पित कर लिया है, वो अगर इतना ही सवाल पूछ ले कि क्या माता जी आप वो शक्ति हैं, तो फौरन उसके अंदर गंगा बहना शुरू हो जाती। कितना आसान तरीका सहयोग का है बताइए। इससे दो लाभ है, एक तो ये है कि आज तक की जितनी आपकी तपस्या है वो व्यर्थ नहीं गई, और दूसरा लाभ ये भी हुआ है कि आपने हमें भी पहचान लिया अनाया। जब पहले बहुत से अवतार संसार में आए थे तो उनके साथ जितने उपद्रव हुए हैं वो आप जानते हैं, और किस कदर लोगों ने उनको सताया ये भी आप जानते हैं। अब इस अवतार में ये सोचा गया कि मनुष्य को किस तरह से पहचान कराई जाए, वो किस तरह से जाने ये अवतार, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा अहंकारी है, वो किसी को अवतार मानने में तैयार नहीं। जब अवतार कार्य खत्म हो जाता है तब वो सोचता है कि अरे क्या गलती हो गई, क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसको ज्ञात होता है, तब वो रोता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक साहब थे यहाँ, उनका मैं ट्रीटमेंट करने गई, बहुत बीमार रहते तो मुझे बताने लगे माँ मुझे एक अजीब सा सपना आया कि मैं सो रहा था दूसरे कमरे में और मेरे घर वाले सब उसी कमरे में मेरे साथ थे और आप एक दूसरे कमरे में थे जहां आपकी पूजा हो रही थी, अर्चा हो रही थी। जिनको सपना आया था उनका नाम था टी माणिकलाल, और मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था और मैं छटपटा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं जा नहीं पा रहा था, और मेरे रिश्तेदार भी मुझे को देख रहे थे और आपको नहीं जान रहे थे। मैं चाह रहा था उनसे कहूं कि जाओ माँ की पूजा, असल में वो अपनी स्थिति मृत्यु के बाद की देख रहे थे, अब उनकी मृत्यु भी हो गई। तब मैं उनसे क्या कहती कि तुम अब मरने वाले हो, उस वक्त तुम्हें ऐसे लगेगा अभी तुम समर्पित हो जाओ। ये मृत्यु के बाद की छटपटाहट वो देख रहे थे उस वक्त जब वो मर रहे थे, और उन्होंने मुझे ये दो तीन बार सपना बताया कि माँ इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है, मुझे बार बार यही सपना आता है, जब भी मैं सोता मुझे लगता है कि छटपटाहट है, कि माँ की पूजा हो रही है, सब लोग खूब जयघोष गा रहे हैं और मैं बिल्कुल उसमें अछूता रह गया, मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा, और मैं छटपटा रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी उसमें समाए, वो मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे पीछे बैठे हुए हैं, मेरे फोटो लगाए हुए हैं, आपकी ओर नहीं जा रहे, और मैं चाह रहा हूं कि उन्हें ढकेलूंगा। यह स्वप्न उन्होंने अपनी बीवी बच्चे सबके सामने कहा था, पर अगर अब भी मैं उनको समझाऊं तो उनकी समझ में नहीं आने वाला। सो इस वजह से अपने देश में एक बड़ी भारी है हमारे लिए सुविधा हो गई है इस देश में, और देश में नहीं, क्योंकि हम किसी न किसी दैवत को मानते जरूर हैं। अब हरे रामा हरे कृष्णा वाले भी अगर अपनी नगरी हमारे ओर कर दें और हमसे पूछे क्या आप हरे रामा हरे कृष्णा आप ही हैं जिनको हम भजते रहे, तो वो भी उनका भी विशुद्धि चक्र साफ हो जाएगा और उनके भी गले भर आएंगे। आपने सब अनुभव किए हुए बातें, कोई नई बात मैं आपसे नहीं बता रही। आप लोग भी जब किसी को रियलाइजेशन दे तो पहले ही उनसे ये कह दीजिए कि आप देखिए कि क्या ये वही शक्ति है जिसको आज तक आप मानते रहे। ये अपने देश में बहुत ज्यादा साध्य होता है, विदेश में कम, क्योंकि वहां तो वो किसी को भी नहीं मानते,
अपने सिवा दुनिया में कुछ को नहीं मानते अधिकतर लोग, वहां पर वहां की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वहां तो इस कदर आदमी अलग अलग हो गया है कि एक आदमी यही नहीं जानता कि अपना अभी तक बाप मरा है कि जिंदा है। ऐसे भी वहां मैंने बहुत से लोग देखे, तो इन लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर हमारे देश में ये बड़ा ही आसान है, जब हम किसी भी इंसान से ये जान लें कि वो कौन से भगवान को मानते हैं, तो महज उससे अगर आप इतना कह दीजिए कि आप पूछे कि क्या ये वही चीज है हमारे सामने या नहीं, मतलब ये कि कोई भी जो सही गुरु हो उनकी बात कर रही हूं मैं, कोई अगर सही अवतार हो उनकी बात कर रही हूं मैं, हर एक अजीब सजीब लोगों की बात नहीं कह रही, तो उसके उत्तर में उनको वाइब्रेशन आ जाएंगे। तीन मरतबाबे ही आप वाइब्रेशन आने चाहिए, लेकिन कुछ कुछ लोग अजीब भी होते हैं। जैसे कि एक आई थी देवी जी, कहने लगी कि मैं रेणुका देवी को मानती हूं। अब रेणुका देवी का कोई अवतरण नहीं मानना चाहिए खास करके, और इस तरह की विक्षिप्त भी बहुत सारी चीजें लोग मान लेते हैं। तो जो साधारण तरीके से जो हमारे हम जिनको हम लोग अवतार मानते हैं उनको मानते होंगे, उनके लिए आप अगर इस तरह से पूछें कि क्या वही है, तो यह कार्य एकदम हो जाएगा। यू जस्ट पुट योर हैंड ऑन द लिवर, एवरीबडी इज डिस्टर्ब, राइट। और जब उनका चित्त ये जान जाएगा कि ये वही है, धीरे धीरे दोनों में सामंजस्य होता जाएगा और बात उनकी समझ में आ जाएगी। इसमें कोई भी हिचकिचाने की या डरने की बात नहीं। आज तक एक माने में आप जानते ही रहे कि हम कौन हैं, और जब भी ऐसे ही कोई आपने सवाल पूछे तो हमने कह भी दिया खुलेआम कि हम कौन है, हमें इसको कोई डर नहीं लगता। ये तो पूरे कॉन्फिडेंस से हमने हमेशा कहा है कि हाँ ये बात सही है, अगर आप हमसे पूछे तो हमने कह दिया, कोई उसमें डरने की बात नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए इस बात को समझ के कह रहे थे कि लोगों में इतना ज्यादा अहंकार है कि उनसे ये बात जैसे ही पता हो जाती वो डंडा लेके मारने को दौड़ जाते। उनके लिए सबसे बड़ी बात दुखदाई ये होती है कि संसार में कोई भगवान के अवतार में आया हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि सब हमारा जैसे कुछ छिन गया, सारा संसार उनको लगता है कि उनसे किसी ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया और उनको अब कुछ नहीं रहा, वो खत्म हो गए, क्योंकि वो अपने को सब अवतार समझे बैठे हुए। मुश्किल तो ये इसलिए जैसे ही वो सुनते हैं कि ऐसी ऐसी बात है तो उनकी शंकाएं शुरू हो जाती है। लेकिन मरे हुए देवताओं को, जो कि हमें हजार बार पहले हम मर चुके हैं, उन्हीं को वो पूजेंगे, उसमें उनको वो कोई भी नहीं हरकत। लेकिन अगर कहा जाए कि आप देखिए जिसको पूजा है आज तक वही यह है कि नहीं, देखो अब कश्मीर में गायत्री मंत्र का बहुत ज्यादा प्रचार है और बहुत लोग गायत्री, जितने भी ब्राह्मण है गायत्री करते हैं, और उन लोग को सबको दुनिया भर की तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते नहीं अब तो गायत्री छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि गायत्री से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, मां हमने इतनी गायत्री करी कोई फायदा नहीं, और दूषण देते हैं गायत्री को कि इतना हमने गायत्री करने से भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमें ये बीमारी है वो बीमारी है ये तकलीफ है। उस वक्त अगर आप उनसे कहें कि अच्छा मां से पूछो कि क्या आप गायत्री देवी हैं, तो 5 मिनट के अंदर वो पार हो जाते हैं और बिल्कुल सारी मशीन फिट फिट चलने लग जाती है, खटखट 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 खट। यानी ये सोचिए कि कोई प्लग आपने गलत लगा दिया है तो मशीन नहीं चलती, वही प्लग ठीक लग गया मशीन खटखट चलने लग जाती। इस तरह से आपको लोगों को समझाना पड़ता है, कोई सरल काम नहीं है अवतार लेना, बहुत ही कठिन कार्य है, और मूर्खों के बीच में जन्म लेना तो उससे भी कठिन है, क्योंकि आपने कोई भी सूझबूझ की बात कही तो
मनुष्य का एक और तरीका है कि उसको ब्रांड मार दो कोई भी। जैसे वो आपको कह देंगे कि आप जो है आप डंडा मारता है, किसी कह दिया हो गया, अब आप बैठ गए, अब आप क्या करें। अगर आप उनसे कहिए कि आप बढ़िया आदमी हैं, आप गोबर खाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, खूब खाओ, तो आप बड़े अच्छे आदमी बन जाए। लेकिन अगर आपने कहा कि ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, हरे गुरु ने कहा है, आज तक जो असली गुरु हुआ उसने हमेशा कहा, नकली गुरु क्यों कहने चले, उनको तो आपके पैसे से मतलब है, वो तो कहते भाई जो भी करना करो, हमारा पर्स हमको दे दो अपना, तो उनको तो ये प्रॉब्लम है नहीं। ये तो बात तब खड़ी होती कि जब सच्चा गुरु खड़ा होता और वो बताता कि ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है और ये करना है, ये सही है, ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है। इसका जो निरक्षीर विवेक जानता है वही तो बताएगा ना। और जब वो बोलने लग जाता है तो आदमी ने अपने एक तरीके बना रखे कि उसको ब्रांड मार दो कि वो ये है, वो है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, हो गया काम खत्म। अब वो आदमी सोचेगा कि ये तो हम इनके भले के लिए बता रहे हैं, अपने बाप के लिए भी आजकल बनाते हैं लोग ब्रांड, अपने माँ के लिए भी बनाते, अपने टीचर्स के लिए भी ब्रांड बनाते हैं, नाम दे दिया उनका, नामकरण संस्करण करते हैं। क्योंकि आपके समझ में बात नहीं आई इसलिए आपने कह दिया। ये आजकल का मॉडर्न तरीका है। पुराने जमाने में उल्टे लोग गुरुओं के पास बैठे रहते थे घंटों ये सुनने के लिए कि वो हमें बताएं हमारा क्या दोष, कान पकड़ के गुरु के सामने बैठे रहते थे। और अभी तक भी जो सच्चे गुरु हैं, अभी भी जो सच्चे गुरु लोग हैं, वो सबके उल्लू सीधे करते हैं और उनके तरीके इतने कठिन होते हैं कि उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। मैंने आपसे बताया था एक साहब की कैसी टांगे तोड़ दी थी और वो कम गले में डालकर भेजा था मेरे पास, किस तरह से एक आज्ञा चक्र निकालने तक के लिए उन्होंने किस तरह से आफत मचाई। लेकिन फिर एक बार तो गुरु की हुई, वो तो मनुष्य ही हुए, फिर कोई अवतार हुआ, उसके पीछे तो पहले ही से डंडे लेकर लोग खड़े रहते कि अवतार हुआ माने कैसे, उसके घर में ही भूत घुसा देंगे। जैसे रामचंद्र की जमाने में मंथरा जैसी एक दासी की बात उन्होंने सुन ली, कही कही दासी की भी कोई बात सुनी की होती, कई कई जैसी समझदार औरत ने एक दासी की बात सुनी, उसके पीछे राम को जंगल जाना पड़ा, सीता जी को नंगे पांव चलना पड़ा, कितनी दुख कितनी विपत्ति, लेकिन वो भी एक कार्य था, चलो हो गए। कृष्ण के जमाने में भी आप जानते हैं कि कृष्ण किसी से भी गीता नहीं बता पाए सिवाय एक अर्जुन के, ऐसे थोड़ी कि पचासों को बिठा करके बता रहे, तो कृष्ण किसी से कहते कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उनको ब्रांड मार देते वो लोग एक। वो तो उनके मरने के बाद सब लोग गीता उतार पढ़ रहे हैं। जैसे ईसा मसीह ने कह दिया कि आई एम द लाइट आई एम द पाथ, बस उसको एक ब्रांड मार देते, इगोइस्टिकल और कुछ भी कुछ कह देते। तो अवतार कार्य बहुत ही कठिन कार्य है, इससे कठिन कार्य और कुछ नहीं हो सकता। एक तो आप भगवान हैं, समझ लीजिए अगर आप भगवान हैं तो आप संसार में आए तो मनुष्यों को जैसे रहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य की आपते आप में नहीं होती, मनुष्य को समझना तो उससे भी महाकठिन है, बहुत ही कठिन है। समझ लीजिए आप इंसान हैं, अब आप कुत्ते को कैसे समझेंगे बताइए, आसान है क्या? नेक मैं आपसे पूछती हूँ, बहुत मुश्किल काम है। फिर आप किसी कीड़े को कौन समझे कि उसकी क्या हैबिट्स है, वो कौन गंदगी में रहता है, किधर घुसता है, क्या क्या गंदगी करता है, आपके तो ऐसी गिन चढ़ती। इसलिए अवतार लेना कोई सरल बात नहीं है, और कोई मनुष्य जो कहता है कि मैं अवतार ले रहा हूं उसको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती। पर झूठ मूठ का कहना कि मैं अवतार हूं ये तो बहुत ही आसान तरीका है, इसे तो कोई और आसान तरीका है ही नहीं, क्योंकि जिस आदमी को असली बिजनेस करना पड़ता है
उसको पता चलता है कि कितना मुश्किल है बिजनेस चलाना। पर किसी को ऐसे फेक बिजनेस करना हो, समझ लीजिए कि आए उन्होंने कह दिया मेरा एक बड़ा भारी बिजनेस है, मुझे इतना रुपया चाहिए उसके लिए, गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया, प्राइम मिनिस्टर को बेवकूफ बनाया, उनसे रुपया लिया, उनसे दूसरे से रुपया लिया, रुपया लगा दिया, कहाँ लगाया, किसी ने पूछा नहीं, पैसा नहीं, भाग गया अमेरिका। बहुत आसान चीज है, बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है, पर असल में बिजनेस चलाना कितना कठिन है। नकल में भगवान बना तो बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही सरल चीज है, अच्छी माने सरल। क्या आप बन गए भगवान साहब? अब हम भगवान है, चलो फिर क्या, हमको चांदी की थाली चाहिए खाने को, नहाने के लिए सोने की बाल्टी चाहिए, बैठने के लिए हमें संगमरमर चाहिए, रहने के लिए हमको महल चाहिए, चलने के लिए हमको मर्सिडीज चाहिए, ठीक है। आपको सब सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो है भगवान। और जो असल भगवान होगा वो तो ये सोचेगा कि मैं इनका जैसा बन जाऊं, सर्वसामान्य बन जाऊं, और वो दिन भूल जाऊं कि जब वाकई मैं महलों में रहता था और जब मैं हर तरह के ऐशो आराम में हूं, अंदर से भी आनंद में हूं, बाहर से भी आनंद में हूं, वो सब चीज मैं भूल जाऊं और यहां आकर के और मेहनत करूं, देहातों में घूमूं, धूल खाऊं, लोगों की सेवा करूं, उनको उठाऊं, उनके बखेड़े उठाऊं, उनके अंदर जागृति करूं। कृष्ण के लिए कितना कठिन था आप देख सकते हैं कि मथुरा से बेचारे वृंदावन आए, कैसी हालत में आए, वहां किस तरह से एक बाल बाल के जैसे रहे, कितनी विपताएं उठाई, उनको मारने के लिए राक्षस आते थे, उन्होंने अपनी संहार शक्ति कैसे इस्तेमाल करी, किस तरह से उनको नाग जो था डोह में नाग रहता था कालिया, उसको किस तरह से उन्होंने मर्दन किया, ये सब आप लोग जानते हैं उनका जीवन। राम का भी जीवन आप जानते हैं, ईसा मसीह का जीवन आप जानते हैं, मोहम्मद साहब का जीवन आप जानते हैं, ज़ोरास्टर का जीवन आप जानते हैं, कितनी उन लोगों को आफतें उठानी पड़ी और जीवन में कितने मुश्किल से उन्हें जीना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने उनके साथ आफतें ढाई, उनको किस तरह से परेशान किया। फर्क क्या है दोनों? सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक इंसान जो कि झूठा है वो आराम उठाता है, सबको उल्लू बनाता है, अपनी जेबें भरता है, और कोई मजाल नहीं, कोई उसके खिलाफ कुछ कहे। और जो सच्चा होता है वो हमेशा सताया जाता है, तकलीफ दी जाती है, वो खुद भी बहुत अपने जीवन को रगड़ता है चंदन के जैसे, और तो भी उसके अंग अंग से प्रत्यंग से सुगंध आती है। झूठा आदमी जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ये तुम्हारा हो जाएगा भला, अगर कोई जाए तो कहेगा कि तुम्हारा कर्म है, तो मैं क्या करूं। और आदमी इसको बड़ा संतोष में रहता है कि ये तो हमारे कर्म ही नहीं थे तो क्या करेंगे हमारे गुरु, सिर्फ एक चीज हमने नहीं की कि जरा रुपया कम दिया, कुछ श्रद्धा और हो जाए तो हो सकता है बन जाएगा काम। तो फिर श्रद्धा स्वरूपेण कुछ न कुछ उनके पास पहुंच जाता है मामला, झूठ चलता ही रहेगा, झूठ चलता ही रहेगा इस तरह, जब तक वो आदमी बिल्कुल बेवकूफ होकर के एकदम बर्बाद नहीं हो जाए तब तक वो झूठ में चलता रहेगा। और सच, सच की मेहनत गहरी होती है, रुपया पैसों से खत्म नहीं होने वाला, रुपया पैसा तो कोई चीज होती ही नहीं सच के सामने। सच में आपके हृदय की बात होती है, उसकी मेहनत असली होती है, उसके लिए मनुष्य तैयार नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है, जैसे बाजार में जाते हैं वैसे आप खरीद रहे तो चारों, इसमें कौन सी कठिनाई है, जितना पैसा हो उसके हिसाब से आप जो भी चाहे खरीदते ही रहते चीज, वैसे आपने गुरु भी खरीद लिए तो क्या उसमें मुश्किल हुई। पर जब ये हुआ कि नहीं
ये तो उल्टे महाराज जी के, ये तो कहते भाई कि तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, तुमको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, तुमको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी, कायदे से तुमको रहना पड़ेगा, तुम अपनी बीवी को छोड़ के भाग नहीं सकते। अभी एक साहब आए थे दिल्ली में, वो मुझे बताने लगे कि साहब मेरा मेरी बीवी से पटता नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक दूसरी औरत से प्यार करता हूँ। मैंने कहा साहब मेरे पास ये सब बातें मत करिए आप मेहरबानी से। तो उनके लिए मैं फिर हो गई दकियानुसी बुढ़िया औरत, फिर हो गया मेरे पर ब्रांड मार दिया उन्होंने और वो अपने सत्कर्म में लग गए। सत्कर्म तो करना बहुत कठिन काम। फिर सवाल ये आता है कि ये तो ठीक है कि आपने उनकी बात नहीं मानी और इससे आप नाराज हो गए, लेकिन जनाब आपने किसका भला किया है आज तक? ठीक है आपको कमजोरी है, आप उस चीज को नहीं कर पाई है, दूसरी बात है, पर आपने किसका भला किया हुआ है आज तक? आपने किसको लाभ पहुंचाया है आज तक? आपने किसकी आफतें उठाई हैं आज तक? अगर किसी भी गुरु के पास जाके पूछे तो आपको बता देंगे कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं। एक ही पॉइंट है कि वो आपकी चिंता करते हैं कि आपके पर्स की चिंता करते हैं, आपकी चिंता करते हैं कि आपकी और जो कुछ भी चीजें हैं उनकी और उनकी नजर। इसी से आदमी सच और झूठ को पहचान। अब सहयोगियों के सामने बड़ा प्रश्न है कि ये कहें कि नहीं कहें कि माँ आदिशक्ति है। अभी है इसमें कोई झूठ बात, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, बात तो सही है। तो उल्टे सवाल ऐसा पूछना चाहिए कि साहब हमने अपने आंख से कुंडलिनी को उठते देखा, उसके स्पंदन देखा, और तो कहीं तुमने देखा है क्या पूछ लो, कहीं देखा है? हम भी जब कुंडलिनी को उठाते तो वैसे स्पंदन नहीं होता जैसे माँ के चरणों में होता है। अरे तुमने देखा है क्या कुंडलिनी का स्पंदन? हमने देखा अपनी आंख से, हजारों का देखा, माँ के पैर पे कुंडलिनी उठ के दौड़ती। और देवी महात्म्य में लिखा हुआ है, ललिता सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है कि माँ के ही चरणों में कुंडलिनी चलती है, और जो हजारों कुंडलिनियों को उठाती है वो कोई ना कोई चीज हुए बगैर तो होने नहीं वाला माम। इस तरह की जब आप उनसे बात कहेंगे कि भाई आखिर विश्वास नहीं करो तो कैसे नहीं करो? अब कहो साहब सदाजी लोगों का किस्सा बताते हैं कि एक साहब गए कहीं तो उन्होंने सूरज देखा, तो पूछा भाई ये सूरज है कि चांद है? तो झगड़ा शुरू हुआ, तो भाई पता नहीं सूरज है कि चांद है समझ में नहीं आता। तो दूसरे आए, उनसे पूछा भाई ये सूरज है कि चांद है बताओ, हम दोनों में झगड़ा हो रहा है। तो कहा भाई देखो मैं परदेसी हूँ मुझे उसी प्रकार जिनकी खोपड़ी में ये घुस नहीं सकता उनको घुसाने के लिए आपको अब ये कहना चाहिए कि अच्छा भाई एक ही चीज करो तुम, हम तो समझ गए। अब हमसे तो इनको मना ही नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने तो अपनी आंख से देखा, हमारे अंदर भी घटित हुआ अपनी आंख से देखा है कुंडलिनी को हजार बार डूबते हुए। तो क्या अभी इस सत्य को हम भुला दें? हम कैसे भुलाएं इस बात को? अच्छा अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो तुम माता जी के फोटो पर यह सवाल पूछ लो, जो भी तुम्हारी डेटी होंगी उन पर पूछ लो, तुम पूछ के देखो कि है क्या माता जी आदिशक्ति। चलो पूछ के तो देखो, और ये व्यवस्था मैंने कर रखी है कि फोटो पे जवाब आएगा। देखिए क्या कमाल कर रखा। अब फोटो भी जो चीज है वो भी एक प्रपोर्शन है, वो प्रपोर्शन रखना पड़ता है बॉडी का भी, सब चीज का रखना पड़ता है। अगर वो प्रपोर्शन ही रहेगा तो कोएफिशिएंट्स नहीं जाने वाला उसको। गधे लोगों को थोड़ी समझ में आता है। अब वो चाहे कि आपकी माँ हेमा मालिनी जैसे समझ लीजिए
लेकिन क्या उस हेमा मालिनी से वाइब्रेशन आते हैं क्या, उसको लेके करें क्या, उसका क्या अचार डालें? इतनी बेवकूफी की बातें लोग करते हैं। उसको सोचना चाहिए कि सब चीज परमात्मा ने बहुत विशेष रूप से बनाई और उसको बनाने में बहुत कुछ रचना करने में बहुत चीजों का विचार करना पड़ता है। शरीर के अंग प्रत्यंग हर एक चीज बहुत ही कमाल से बना है। और फिर जिनको इस तरह से जब आप अचंभे में डाल देंगे तब उनके लिए आसान होगा कि सहजोग का सत्य वो माने। अगर सीधे उंगली घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली से घी निकलना चाहिए। उनसे यही कहना चाहिए कि भाई हमने तो देखा अपने आंख से, इसमें निर्विवाद, हमने तो देखा हमारे अंदर वाइब्रेशन भी आए और हम भी वाइब्रेशन दे रहे हैं, हम भी लोगों को ठीक कर, इसमें कोई शक नहीं। अब तुमको विश्वास नहीं होता तो तुम चलो फोटो पर देखो, तुम अपनी तरफ से पूछो ना डंके की चोट पर। अगर बहुत ही बेकार आदमी हो तो दूसरी बात है, पर सर्वसाधारण अगर आदमी सरल हो तो हो जाता है। सर्वसाधारण आदमी अगर सरल हो और उसकी हृदय सच्चा हो और उसने वाकई किसी की तपस्या की हो तो ये काम बिल्कुल क्षण में घटित हो जाता है। ये आपने देखा होगा, इतना आसान है रियलाइजेशन देना आज सहयोग। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप में वो दृढ़ता आनी चाहिए, आप में विश्वास पक्के जमने चाहिए। जब तक वो विश्वास आपके अंदर पक्के नहीं, दूसरा आदमी फौरन पहुंचा लेगा कि ये डामाडोल है महाराज, ये बोल तो रहे लेकिन इसमें अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं। हमेशा जब आदमी बात करता है वो अथॉरिटी से जब बात करता है तो अंदेशा हमेशा रहता है कि लोग आपको ब्रांड मारेंगे कि ये तो, जैसे हमारे मराठी में त्या बाइंचा नादी लागला, हमारे मराठी में है ऐसे ऐसे शब्द, नहीं मराठी में हिंदी में भी है। नहीं तो फिर कहेंगे कि त्यानी भुरोड घातली। दुनिया भर कैसे चीजें हैं ब्रांडिंग, उस तरह से हर एक भाषा में, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। हाँ क्या हो गई, हाँ उनको भूल भुलैया में डाल दिया, इंग्लिश में भी है, अरे उस चक्कर में तुम कहाँ गए, सब तरह की चीजें हैं। लेकिन कहना भाई आने की बात क्या है, इन आंखों से हमने कुंडलिनी को उठते देखा है तो क्या हम भुला दें? हमने कुंडलिनी का चरना देखा और हमारे हाथ से वाइब्रेशन जा रहे हैं और हमसे लोग पार हो रहे हैं तो सब क्या भुला दें? कैसे भुलाएं क्या, ये तो बहुत मुश्किल काम है। पर ये कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर पूरी तरह से नहीं होता है तब तक आपका भी असर लोगों पे पड़ने वाला नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत हैं, खासकर मुंबई में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं कि जो बहुत गहराई से इस बात को समझ गए। यही तो मैं मुंबई वालों की विशेषता कहती हूँ कि यहाँ लोग थोड़े जरूर हैं लेकिन एक एक आदमी एक एक से बढ़ के, ये विशेषता है मुंबई वालों। वही दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग हैं लेकिन कॉन्फिडेंस से रहने वाले लोग वहां इतने ज्यादा नहीं हैं। ये जरा सा अंतर है, उसकी वजह यह भी कि आप पे मेहनत भी हमने बहुत करी और परमात्मा की कृपा से अरे गहरे नथू खैरे ज्यादा आए नहीं। अगर अरे गहरे नथू खैरे इसमें आ जाते तो मुश्किल पड़ती, उनको कुछ दूरी रखा गया। लेकिन आपको भी इसका थोड़ा अंदाज रहना चाहिए कि आपके सामने अरे गहरे नथू खैरे तो नहीं बैठे हुए। आप बेकार के लोगों पर अपना टाइम बर्बाद न करें, माने ये कि हाँ माता बाहू है, ये मेरा भाई है, लगे उसके पीछे। जब आपने भाई को आप जानते कि शराब पीता है, बीवी को मारता है, जुआ खेलता है और हर तरह से उसने अपने को खराब करके छोड़ा हुआ है, दूसरी बात यह कि इसने तुमको ठगाया है, तुम्हें तकलीफ दी है और दुनिया भर को तकलीफ देता है और झूठा आदमी है, सब सर्वगुण संपन्न है, तो भी वो तुम्हारा भाई है तो उस पर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम वाकई में पागल आदमी। आपको मेहनत करना चाहिए पहले ऐसे लोगों पर कि जो आपसे थोड़ा मेल खाते। पहले भी मैंने कहा था कि हमेशा पहले जो सीधे साधे शब्द हैं उनको ट्राई करिए और उसके बाद में आपको कठिन शब्दों को ट्राई करना चाहिए। पर अधिकतर लोगों का यही हो जाता है कि वो इसमें भी अपने जो लौकिक
रिश्तेदारी है उसको जोड़ते हैं कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बीवी। मेरी बीवी तो बहुत ज्यादा उसमें इतनी मुश्किलें हो जाती हैं कि समझाते नहीं बनता कि किस तरह से ठीक करें। हालांकि ये बात सही है कि जब तक आपके घर वाले ठीक नहीं होंगे तब तक सहयोग में उतरना जरा मुश्किल हो जाता है, और पूरी फैमिली की फैमिली सहयोग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज सहयोगियों के सामने जो प्रश्न खड़ा हुआ है वो ये, उसको भी समझ लेना चाहिए कि आज तुम्हारे सामने कौन से प्रश्न। आपके सामने सबसे बड़ा पहला तो प्रश्न है कि आप जमे हैं या नहीं। पहले जमना चाहिए, बगैर जमे सहयोग नहीं चलता। पूरी तरह से सहयोग में पहले जम जाओ। सहयोग में जमने के बाद दूसरी चीज आपको ये करनी चाहिए कि आपको देखना चाहिए हम कितनों को और को जमा सकते हैं। ये विचार हमेशा आपका दीप पहले जलाया गया, वो दीप पूरी तरह से ठीक हो जाए, स्थिर हो जाए, उसको ठीक कर ले। अब इस दीप से आपको कितने दीप जलाने के हैं, फिर उसके आप पता लगाते, मन में सोचे कि साहब ये आदमी ठीक रहेगा, वो वहां था वो ठीक रहेगा। पांचों पचीसो पकड़ बुलाऊ एक ही डोर बंधा। उसमें आप जानते हैं कि खूबी से काम लेना पड़ता है। अगर आप पहले जाते कह दीजिए कि वहां जाकर के जय माता जी की जय हो गए, वो दरवाजा बंद करके पार से निकल जाए। उसमें खूबी से काम लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि जिससे आदमी पहले आपके पास पहुंच जाए। जब वो पहुंच गया, ज्यादातर तो मैं पहुंचवा ही देती हूं क्योंकि किसी कोई बीमार पड़ गया, किसी की बीवी भाग गई, किसी का कुछ हो गया, इस तरह के प्रकार होते रहते, वो सीधे तुम्हारे पास आ जाते। पर बहरहाल जो भी हो, जैसे ही ऐसी कोई घटना घटित हो जाए और आपके पास ऐसा कोई आदमी आ जाए तो बहुत ही अच्छा। पर अगर आपको भी किसी आदमी को हथियाना है तो सबसे बड़ी चीज जो किसी आदमी पे इम्प्रेशन डालती है वो आपका चरित्र, आपका बोलना, आपका करना धरना सब इम्प्रेशन डालती है। हाँ, अगर कोई बड़ा ही गया बीता हो तो वो तो उल्टी ही चीजें देखेगा। आप अगर कुंकू लगा के गएंगे तो कहे गुंकू लगा के आया, नहीं लगा के गए तो कहे लगा के नहीं आया। ऐसे लोगों की बात मैं नहीं कर रही जो कि बिल्कुल बेकार है, और ये लोग कभी पार होने भी नहीं वाले। बहुत मुश्किल है इन लोगों का पार कराना। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो अपने को बहुत बड़े आदमी समझे, छोटे आदमी समझे, ये लोग पार होने ही नहीं वाले। तो उनसे तो झगड़ा लेने की कोई बात नहीं। पर जो सर्वसाधारण आप सोचते हैं कि जो आदमी इसमें आ सकता है, उससे जब आपको पेश आना है, उससे जब बातचीत करनी है, उससे कोई भी संबंध करना है, तो उस वक्त आप बड़े खूबी से उसको पकड़ें। पहली सबसे बड़ी चीज है कि आपका इम्प्रेशन उस पर कैसा है। इस पर भी निर्भर रहेगा कि वो आदमी किस लेवल का है। जो आदमी किसी लेवल का होगा वो आपको देखते ही फर्क जाएगा कि ये आदमी कोई ऊंची किस्म की चीज है। लेकिन अगर वो उस लेवल का नहीं होगा तो आपको पहचान नहीं पाएगा। वो तो आपका शर्ट देखेगा, पैंट देखेगा, कोट देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा। पर अगर वो जरा भी लेवल का होगा, मैं मेहतानी की बात बताऊं, हमारे नागपुर के एक साहब थे, वो उनके घर में सब वो राधा स्वामी के शिष्य हैं, वो अकेला ही उनसे सबसे लड़ते रहता। कहता था कि तुम लोगों में तो कोई अंतर ही नहीं आया, तुम क्या कर रहे हो इस गुरु गुरु को लेकर के, ना उस आदमी में कोई विशेषता मैं पाता। लेकिन जब उन्होंने मेहतानी को मिले तो वो कहने लगे कि इनको देख के मैं समझ गया कि एक तो ये आदमी भी कुछ अलग है और दूसरे ये बोलते भी बड़े कॉन्फिडेंस से है, तो इन्होंने कुछ पाया जरूर है, बगैर पाए आदमी ये पाए हुए आदमी। तो मैंने फौरन अपने घर वालों से कहा कि नहीं भाई, तुम लोग सब बकते हो, इनके जो गुरु असली, क्योंकि इन्होंने पाया हुआ। अगर आप लोगों ने पाया हुआ है तो आपके बिहेवियर से, आपके बातचीत से, आपके उठने बैठने के ढंग से, हर एक चीज को लगना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से भी लगना चाहिए कि इन्होंने पाया हुआ। अगर उनको लगने लग जाए कि आपने पाया हुआ है तो धीरे धीरे वो भी इस बात को पूछेंगे कि आपने कैसे पाया, कहां से पाया, किस तरह से आप इतने शांत रहते हैं, किस तरह से आपका स्वभाव इतना मीठा हो गया। और ये जब तक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाता, जब तक आपके अंदर ये मिठास और ये आपके अंदर बड़प्पन और ये सौंदर्य आपके अंदर नहीं चमकता है, तब तक आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाए। अर्थात मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूं जो छिछले हैं या जो सुपरफिशियल लोग, पर साधारण सर्वसाधारण लोग इस चीज को पहचान लेते हैं
कि ये आदमी में ईश्वरी तत्व है, तो सबसे पहले आपको जमना पड़ेगा, फिर ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा। उनकी पहचान ये है कि वो आपके तौर और तरीके से प्रभावित हो जाए। अब जैसे बहुत से गुरु लोग हाथ में चिमटा लेकर बैठते हैं, अधिकतर जो असल वाले होते हैं, वो आया उसको चार चिमटे मारते थे तो भी वो चिपका रहा, उसको बोलते जा बैठो बैठो, उसको बैठा दे। अब वो दशा तो है नहीं, आप पर गुरु हैं तो आपको तो अब लोगों को फंसाना है। जैसे क्राइस्ट ने कहा था कि आओ मैं तुमको सिखाऊंगा किस तरह से इंसान को पकड़ा जाए और तुम मछली पकड़ना छोड़ो, उसी प्रकार अब आप लोग सीखिए कि किस तरह से इंसान को पकड़ना चाहिए और इस भवसागर से बचाना चाहिए। यही हमारे सामने सबसे बड़ा आज प्रश्न है। यह सबसे बड़ा प्रश्न सहयोगियों के सामने है कि किस प्रकार आपको और लोगों को बचाना चाहिए, और वो हर हालत में होना ही पड़ेगा, जितना भी हो सकता है उसके लिए जो जो मेहनत करनी पड़े, जो जो आपत्ति उठानी पड़े, वो हमको करनी पड़ेगी और हम लोगों को बचाना पड़ेगा और बहुत से लोगों को हमको सहयोग में उतारना पड़ेगा। यही आज हमारे सामने प्रश्न है और इसी को करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे भाई की नौकरी नहीं लगती, हमारा फलाना काम नहीं होता, ये सब नहीं है। आज सबसे बड़ा काम यह है कि आप किनारे पे खड़े हैं और उन लोगों की ओर देखिए जो डूब रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश करें। यह सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। अगर इस प्रश्न को हम हल नहीं कर सकते तो हमारा पाना भी बेकार हो गया और सभी बेकार हो गया। आज आप यहां पर बॉडी में प्रतिज्ञा करें अपने अंदर मन में और ये कहें कि हमारा लक्ष्य एक एक आदमी को, कम से कम एक एक हजार आदमियों को बचाना है, कम से कम। पूरी मेहनत करके कितने लोगों का बचा सकते हैं, उसके लिए कभी कभी आपको बहुत झुकना भी पड़ेगा, बहुत सी परेशानी भी उठानी पड़ेगी, बहुत सी तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, लेकिन सब चीज को आप अपने सामने रख के संयत भाव से, बहुत सूझबूझ से और लोगों को बचाने का प्रयत्न करना है। इसमें चिड़चिड़ाना, गुस्सा होना, नाराज होना, अपने पर भी झुंझलाना, दूसरों पर झुंझलाना, कोई भी चीज में ऐसा सोच लेना हमने बहुत कर लिया, या ऐसा सोचना कि हम कुछ नहीं कर पाते, दोनों चीजें की, या दूसरों पे रोक झाड़ना, उनको डांटना, फटकारना, या दूसरों से डरना, ये सब चीजें छोड़ करके बड़े संयत भाव से और कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये कार्य करना चाहिए कि किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकते। अब जैसे एक राहुरी में हम गए, वहां ये कहा कि माता जी के पैर पे मत आओ, क्योंकि मेरे पैर एकदम सूज करके एकदम वो हो गए थे, तो कहा कि अब माता जी के पैर पे नहीं आने का है, क्या सबको बुरा लग गया। चलो मैंने कहा भाई आओ, अब क्या है, थोड़े और सूज जाएंगे, उतार लेंगे, क्योंकि उस बात पर लोगों को नाराज करके कैसे हो, उसमें भी प्रेम ही था उनका, लेकिन उस प्रेम में भी अगर वो समझे कि इसे माँ को तकलीफ होती तो नहीं करो भाई, पर चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से भी मान जाए और इसको पाले, एक बड़े होकर के, एक बड़े के नाते, एक ऊंचे स्थान पे बैठे हुए आदमी समझ करके और ये कार्य को करना चाहिए। ये बड़ी समझदारी की, सूझबूझ की और प्रगल्भता की बात है। ये प्रगल्भता, ये मैच्योरिटी आपके अंदर, सबके अंदर आए और आप परमात्मा के प्रकाश से प्लावित हो और सबको अपना प्रकाश दें, यह ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दूं। शांता का ना काय सांगित कमी थे एवरीवेयर, सो दे टेक एडवांटेज ऑफ यू, दे टेक फुल एडवांटेज इन द सेंस दे गिव योर ट्रीटमेंट एंड यू गिव देम रियलाइजेशन, बट दे डोंट कम टू मी और टू द प्रोग्राम, देन इट्स अ वेरी रॉन्ग बिकॉज देन दे अगेन यू सी कनेक्शन एंड यू मस्ट नो दैट बाय सॉल्वेजिंग दीज पीपल व्हाट यू आर डूइंग इज दैट
connect them to the primordial being. And that is what you have to do all the time. If you cannot do that, then again they are dropouts. So you be careful about it, that you try to tell them that somehow you should try to meet Mataji, because she's traveling all over, you see, and I can also organize to go to places where they would like to meet. Hata, now what is the program? A platform which you have to learn how you are going to face people and how you are going to tell them about my coming. You see, it carries with us the light also, see. But if your attention is passing through the center of the Agya Chakra, you don't see any light. But if it is not passing through that, then what happens? Because your attention is outside, you see the light, because it is enlightening also, you see. And you just see the light, but not the Kundalini is not passing through, it just is stuck up there. And that's why, because of that light, your eyes go on like that, you see. People have seen even the complete flow of light moving up like that. But they have not felt the realization. They saw it coming up to the Agya, and then the whole thing dropped back. They saw it. See, they saw the Kundalini, how it was helping. The Adi Kundalini was helping the pure Kundalini. They saw it. Even this light rising is because of that, because your attention is still outside, you see. So you go on, the flickering of the eye star. Then I tell you to fix up your eyes onto my figure. When you fix it up onto my figure and my face, what happens? The Chaitanya pushes you through your eyes into the center, you see. So that you see me as I am, but the eyes are controlled by the Chaitanya, and the attention that is inside, you see, is pushed inside that what you call the aperture in the Agya Chakra. So I always say that if you are fluttering your eyes, please pay attention to me, so that the Chaitanya works out through your eyes and fixes your attention to pass through. Because the light starts spreading on all the sides, and you see that light, you see, and the eyes go on like that. You cannot close your eyes. It is, that's the reason for that. Then the second thing you said, that you are facing the, your Sahasrara was on the thing. Yes, one of the reasons for Nirvichara is that. But also Nirvichara is a way to express the blessings of your mother. When she wants to bless you, see, you wrote the letter, she was happy. Just to bless you, you became Nirvichara. You see, it's the blessing. That's how you, that's the grace, you see, that comes to you from your mother, that you become Nirvichara. That's one has to remember. If you do the things that I tell you, I bless you very much, because they are for your good, for your kalyana, for your mangal, and that's why you are blessed, and that blessing you feel as Nirvichara, because I am Nirvichara myself. Now one more we can have. Sympathetic. If the sympathetic is too much activated, you see, then what happens? The parasympathetic system has your stored up energy, whatever it is. So it just sucks in all that. And when it is sucked in, suddenly the wave from the pelvic plexus down below starts. Because, you see, all the energies are released to the sympathetic. Because the sympathetic is so exhausted that whatever is the energy left in the chakras is released. Once it is released, you see, all that released energy, you see, makes you feel that the energy is rising within you, because it is rising through Ida and Pingla. Now this is the energy which is just sucked into Ida and Pingla. It rises up. And you can feel it going up and coming down and all that. But the after effects of this is, one is this, that such a person, of course, in these experiences, people feel sometimes a horrible thing also, that they feel that there's a heat liberation, sometimes they feel some sort of a scorpion bites going on, or some snakes coming up, and all kinds of things can happen in this. Can be very horrifying also, this one. And could be very simple also. But when this happens, the after effects is like that, that you become arbitrary. You see, sort of all this drug system started afterwards, that, after that. Because once you are released from that self-control in between, you see, you can take to anything like this, because you are free now to do whatever you please, you see. And that's how you can take to drugs and things. And this is what all these gurus are doing, is to take out the stored energy which is controlling you, suck them out onto the sympathetic. There are so many ways by they can do it. They can starve you.
they can make you work very hard, they can make you tired, they can make you say some mantras, things. I mean, they make your sympathetic work so hard that ultimately a stage is reached where your chakras release all the energy that is in store in them and just get out of it, you see. So all this energy they will suck in, and a person feels, oh, suddenly something has happened. But in these circumstances, you see, you can, may have a big hollow in the head like that, as if like a mad person has, you see here, a big hollow, and the whole thing is sucked in, and you get a hollow there like that. So many people get a thing. That is a very different, but because all that energy that was inside is sucked in. So it has become like a big hollow inside, you see. Like a mad person has too, the same thing. So this is the way people confuse between Kundalini awakening and the exhaustion of the sympathetic. Normally in the Kundalini awakening, through Sahaja Yoga, you do not feel anything. It just goes up and works out. But sometimes, if there is, after realization, if there is an obstruction due to certain combinations, it may be the obstruction may go out like that. But there's a tremendous difference between the two. That first you release in the hands of the vibration, start with that. But with the first one you do not get, on the contrary, you get heated up. And you start avoiding yourself, escaping from yourself. And this starts, and that's how you get into these drugs. This is very much played by these gurus. You see, that's what they do to you. They exhaust you completely so that you cannot withstand reality and the present moment. And so you try to get into something. And once you try to escape it, you see, you just, the whole release of the stored parasympathetic takes place, and the deities are broken, and you are broken, you become arbitrary. It's a cancerous sort of a thing. So that's not Kundalini awakening, but we would say it is more sympathetic system which comes into play